नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा पंचमी विषय संस्कृत और दसम पाठ वस्तु प्रदर्शनी का अध्ययन करेंगे। पहले हमने दो भाग का अध्ययन किया था, पाठ का हिंदी अनुवाद और पढ़ लिया था। आज हम कुछ उसमें विशेष रूप दे रखे हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो देखो, विशेष रूपाणी जैसे गच्छति, गम धातु गच्छति बनता है, जाना अर्थ होता है गच्छति बने। अगर इसमें धातु गम और तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बनता है गंतुम। तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते तो गंतुम जाने के लिए अर्थ हो जाएगा इसका, जाने के लिए। गच्छति जाना, गंतुम जाने के लिए। इसी प्रकार अस्ति और भवति, अस्ति में भी भू धातु है और भवति में भी भू धातु है। अब अगर इस भू धातु से हम तुमन प्रत्यय करते हैं, तुमन का तुम शेष रहता है तो बनता है भू से भवितुम। भवति का अर्थ होता है अस्ति, का अर्थ होता है होना, और भवितुम का अर्थ हो गया होने के लिए है। तो तुमन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ जुड़ जाता है उसके पीछे। जैसे उपविशति, उपविशति मैंने बैठना, इसमें उप उपसर्ग है, विश धातु है और तुमन प्रत्यय करेंगे के तुमन प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा उपवेष्टुम, बैठने के लिए। इसी प्रकार अहव्येति, आ उपसर्ग अह है ना, ह धातु और तुमन प्रत्यय करेंगे अहा तुम है। अहव्येति मैंने बुलाना, अहवाय तुम मैंने बुलाने के लिए। इसमें करोति क्री धातु है और तुमन प्रत्यय करेंगे तो कर्तुम रूप बनेगा, कर्तुम करना। करोति मने करना, कर्तुम मने करने के लिए। इसमें का पृच्छति क्रिया है, पृच्छति मने पूछना, अर्थ में पृच्छ धातु से तुमन प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा प्रष्टुम, प्रष्टुम पूछने के लिए। उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति मने उठाना है, उठना। उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तुमन प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा उत्था तुम, उठाने के लिए। इसी के बाद पिबति, पिबति मैंने पीना, अर्थ में पिबति किसके अर्थ में होते है, पीना अर्थ में पिबति पीना। मूल धातु पा धातु है इसमें और इसमें तुमन प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा पा तुम, पीने के लिए। इसी के ददाति, दा धातु है, ददाति मने देना और दा धातु से तुमन प्रत्यय करेंगे तो दातुम, देने के लिए। ग्रहणाति है ना लेना, ग्रहणाति मने लेना किसी से। गृह धातु से तुमन प्रत्यय करेंगे गृहतुम, लेने के लिए। आनयति, आ उपसर्ग नी धातु और तुमन प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा आने तुम, लाने के लिए। आने ती मने लाना और आने तुम मने लाने के लिए। इसे मिलती मने मिलना, मिलती का अर्थ होता है मिलना। मिल धातु से तुमन प्रत्यय करेंगे तो बनेगा मेली तुम, मिलने के लिए। इस प्रकार से आपके इस पाठ में विशेष रूप रूपाणी दे रखे हैं। आप इस प्रकार से लिखकर इनको प्रत्यय का ज्ञान भी और अर्थ भी साथ में याद रखें और बढ़िया लिखेंगे। आगे हैं आपके प्रश्न उत्तर, देखो पाठ के। प्रथम प्रश्न है, तो प्रश्न देखें, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतु।
उत्तराणि लिखतु, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हैं, पहला प्रश्न है प्रदर्शनीं किमर्थम आयोजितवन्त, आयोजितवन्त, प्रदर्शनीं किमर्थम आयोजितवन्त। तो प्रदर्शनीं किमर्थम मतलब किस लिए प्रदर्शनी है, किस लिए आयोजित हो गई थी, वस्तु नाम प्रसाम करतुम, तो वस्तु नाम प्रसारम करतुम आयोजितवन्तः, वस्तुओं के प्रचार करने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। हैं, किमर्थम किस लिए। दूसरा प्रश्न है वस्तूनाम उत्पादकः किमर्थम आगच्छति, वस्तुओं के उत्पादकों किस लिए आते थे वहाँ पर। हैं, तो वस्तूनाम उत्पादकः वस्तुनि क्रेतुम, वस्तुओं को खरीदने के लिए और विक्रेतुम बेचने के लिए और प्रदर्शन के लिए ले आते थे। हैं, वस्तु नाम उत्पादका वस्तुनि विक्रेतुम बेचने के लिए और प्रदेश ये तुम प्रदर्शन करने के लिए आगच्छति, आगच्छति। हैं, तो वस्तुओं के जो उत्पादक थे जो वो वस्तुओं को बेचने के लिए उनको प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आते थे। अगला प्रश्न है तृतीय, जना किमर्थम आगच्छति, लोग वहाँ किस लिए आते थे। है? तो जना किमर्थम किस लिए, वस्तु ने वस्तु खरीदने के लिए और देखने के लिए। है? तो वस्तु ने क्रेतुम खरीदने के लिए और सहमन और दृष्टुम देखने के लिए, दृष्टुं देखने के लिए आगच्छन्ति आते हैं, वस्तुओं को खरीदने के लिए और देखने के लिए लोग आते हैं वहाँ पर। फिर है चतुर्थ प्रश्न, क्रीड़ा साधनानि किमर्थं सन्ति, खेल के साधन किस लिए थे, लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो बनेगा क्रीड़ा साधनानि किमर्थम, तो जनानाम जना नाम आकर्षणम करतुम, लोगों को आकर्षित करने के लिए। हैं, करतुम मन करने के लिए, संति मन थे, खेल के साधन लोगों को आकर्षित करने के लिए थे। अगला प्रश्न है फल रस सकटानि किमर्थम संति, फल और रस के जो थैले थे वो किस लिए थे। हैं, तो लोगों के फल रस पीने के लिए, फल रस के जो थैले थे वो किस लिए थे। तो इसलिए हो गया फल रस सकटानि, फल रस सकटानि जनाना मने लोगों को, जना नाम लोगों को फल रस पातु मने पानी पीने के लिए, फल रस पीने के लिए थे,
फल रस के जो ठेले थे वो किस लिए थे? लोगों को फल रस पीने के लिए। फिर भिक्षु का व्यक्ति यचंती, भिक्षुक माने भिक्षारियों, मांगने वाले को कौन देते थे? तो भिक्षु के व्यय भिक्षुक पे ये दातुम जो देने के, ये मने जो दातुम इच्छन्ते, दातुम इच्छन्ति ते यच्छन्ति, भिखारी को जो देने के इच्छुक है वो देते थे। फिर आरक्षका किमर्थम सन्ति, आरक्षका माने वहाँ सिपाही पुलिस वाले किस लिए थे? हैं, प्रदर्शनी होती है मेले में तो पुलिस किस लिए थे? लोगों की रक्षा के लिए। तो आरक्षका जनानाम, जनान रक्षितुम, लोगों की रक्षा करने, रक्षितुम संति, ठीक है, आरक्षक है, जनान रक्षितुम लोगों की रक्षा करने के लिए थे। इस प्रकार से ये प्रथम प्रश्नों के उत्तर हैं। आपको बढ़िया कॉपी में सुंदर राइटिंग में करना है। नमस्कार।